देखिए वो 18 साल का बुड्ढा, वो 19 साल का व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गौरव गुरु। तो गाइस, सीन है कुछ ऐसा, आज है महीने का दूसरा शनिवार, सेकंड संडे, और जिस दिन रहती है हमारे ऑफिस की छुट्टी। तो आज अपन ने सोचा कि थोड़ा चलते हैं, चिल करते हैं कहीं। और गाइस, मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज रामनगर का ऐसा मंदिर, मतलब यहाँ लोकेलिटी में इसकी बहुत मान्यता है। वैसे इतना फेमस ही नहीं है, पर लोकेलिटी में इसकी काफ़ी मान्यता है। ये भोले बाबा का मंदिर है, जैसा कि आप सबको पता है हम भोले बाबा के भक्त हैं। देखिए गाइस, यह है गुलर सिद्ध एवं श्री बाल सुंदरी मंदिर मार्ग। और गाइस, मेरे साथ हैं आज अपने जाने पहचाने MBT व्लॉग्स। साथ हैं, सांप नहीं है। नहीं, साथ हैं, सांप नहीं है। और साथ में इनको तो जानते ही है, मन्नू राणा। हेलो गाइस, मन्नू राणा व्लॉग। वीडियो भी है तुम्हारा, फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो। अच्छा, कोलैबोरेशन कहते हैं उसे। तो गाइस, इसके बाद हम चलते हैं मंदिर और दिखाते हैं आप। तो गाइज, सड़क से लगभग 200 मीटर ऊपर आने के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पर। ये गेट है गाइज मंदिर का, आप देख सकते हैं। इस मंदिर को बाल सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये मंदिर गुलर सिद्ध के नाम से भी फेमस है। गाइज, शिवरात्रि के दिन यहाँ एक बहुत भव्य मेले का आयोजन होता है। उस दिन तो यहाँ पर आपको पावर खेलने की भी जगह नहीं मिलती है, काफ़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और साल में एक वही दिन है जिस दिन ये मंदिर खचाखच भीड़ से भरा रहता है। बाकी आप देखिए, जंगल के बीच में है, कितना भव्य मंदिर है। और गाइस, शिवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जितने भी कांवड़िए हैं वो सब आकर यहाँ विश्राम करते हैं, और उनके सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। और यहाँ आने के बाद ही, भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद ही ऊपर मंदिर में वो अपने घरों को जाते हैं। और गाइज, ये है गुलर सिद्ध बाबा का गेट, मुख्य द्वार, जहाँ से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। और ये ट्रैकिंग लगभग 1 किलोमीटर की होने वाली है। और देखिए, मन्नू भाई बिल्कुल ट्रैकिंग के लिए तैयार हैं। चंदू भाई तैयार हो आप भी? रेडी। चंदू भाई भी तैयार हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं अपने रूटीन की तरह, जैसे उनको पसंद है, आप जानते ही हैं। और गाइज, ये गेट है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगा हमारा गुलर सिद्ध बाबा का मंदिर। तो गाइज, आगे मिलते हैं आपको गुलर सिद्ध बाबा के मंदिर में, और करवाते हैं शिवलिंग के दर्शन। तो गाइज, लगभग 100-200 मीटर चलने के बाद स्थिति हो गई है बहुत ख़राब, सांस फूलने लगी है, तभी कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग पैदल चला करो। चंदू भाई सही कहा, गलत कहा? हमें, हाँ, गाड़ियों का शौक चढ़ गया। तो गाइज देखिए, हाँ, जितनी अच्छी जगह है उतना खतरनाक जंगल भी है। और गाइज, यहाँ रास्ते के बीच में है एक टंकी पानी की, जो कि सिर्फ शिवरात्रि के दिन चालू रहती है, उस दिन इसमें पानी रहता है। अभी भी है पानी? हाँ, ये अभी खाली है। शिवरात्रि के दिन जो ऊपर को श्रद्धालु जाते हैं वो इससे पीने का पानी पीते हैं। गाइज, कभी भी आप कहीं ट्रैक करें तो उसका मैं आपको मूल मंत्र बताता हूँ। पहले तो आप जल्दीबाजी बिल्कुल ना मचाएँ, धीरे धीरे चढ़ें, हल्के हल्के चढ़ें, तभी आप लंबा चल पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप तेज़ कदमों से चलेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे, तो आप ऐसे इसमें आप गलती कर बैठेंगे, फिर जो है आपके हाथ पाँव में
दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपकी सांस फूलने लग जाएगी। तो गाइज जब भी आप ट्रैक करें धीरे धीरे चलें और पानी एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में ना पिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और हल्का हल्का कुछ खाते रहें। यही रनिंग करते रहें, अचानक से कहीं ना जाएं ऐसे। क्या सुंदरता है। हाँ तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद। और जो दो बुड्ढे मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, आप देखिए वो पीछे रह गए हैं। आगे बुड्ढे देखिए, वो 18 साल का बुड्ढा, वो 19 साल का बुड्ढा, देखिए ये मेरी मजाक उड़ा रहे थे। और भाई ने तुम्हारे मौज कर दी, इनसे पहले आ गया देखो यहाँ पे। और गाइस यह है शिव जी का अति प्राचीन मंदिर। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, रामनगर के जितने भी कांवड़ियां आते हैं वो कांवड़ आने के पश्चात शिवरात्रि के दिन यहाँ मंदिर में जल अभिषेक करते हैं भोलेनाथ को और उसके पश्चात अपने घरों को जाते हैं। जय गुलर सिद्ध बाबा की, जय हो भोलेनाथ की। तो पंडित जी मंदिर कितना पुराना है। पुराना तो बहुत ही पुराना है। अच्छा बहुत पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का है। अच्छा अंग्रेजों के समय का। और जो पीछे कुआ है वो किस तरह का है। अच्छा तो इतनी ऊंचाई पे पानी कैसे मिला, मतलब ये जो सिद्ध है फिर। अच्छा हाँ, बाबा ने जो सिद्ध कराया यहाँ। अच्छा सिद्धि प्राप्त करी बाबा ने, उसके फलस्वरूप यहाँ पानी मिला, उसके बाद पानी मिला। गाइज यहाँ पहले जब ऐसी मान्यता है, जब पहले ऊपर चढ़ के आते थे तो अब तो पानी नीचे से लाना पड़ता है बाबा को चढ़ाने के लिए। हाँ। लेकिन पहले यहाँ पे पानी नहीं लाना पड़ता था, पानी पीछे से कुएं में उपलब्ध हो जाता था क्योंकि बाबा ने यहाँ पे सिद्धि प्राप्त करी थी तो उसके फलस्वरूप यहाँ पे उन्हें पानी की प्राप्ति हुई थी। और गाइज मंदिर के पीछे के भाग में ये एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वॉच टावर भी है जिसपे खड़े होके वो यहाँ जानवरों को वॉच करते हैं। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक और मंदिर की स्थापना की गई है, तो इसके बारे में मैंने जानकारी लेने के लिए पंडित जी से पूछा। तो पंडित जी ने बताया कि इनके स्वप्न में भैरव देवता ने आकर कहा और ये पत्थर इनको स्वप्न में घूमता हुआ दिखाई दिया और इसके पश्चात पंडित जी ने यहाँ पे भैरव देवता की स्थापना करी। पंडित जी कुछ ऐसी हुआ था, आप बताइए जरा क्या हुआ था। अब ये पत्थर जो है सपनों में घूम रहा था और घूमने के बाद जब उसने बताया कि वहाँ हमने कहा यार पत्थर का यहाँ भाई वो हो गया, शंसा हो गई, तो बोले नहीं ये उसमें भैरव देवता की यहाँ पर वो बनाओ और स्थापना करो, स्थापना ना करो। तब हमने ये थोड़ा बहुत ये पंडित जी ने अपने स्वप्न के पश्चात भैरव देवता के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे भैरव देवता के मंदिर की स्थापना करी है। एक बार दिखा दीजिए भैरव देवता का मंदिर भी। गाइज जैसा कि यहाँ बाबा का नाम गुलर सिद्ध बाबा है, वो गुलर एक विशेष प्रकार का फल होता है, उसे ही खाते थे, इसी कारण इस मंदिर का नाम गुलर सिद्ध पड़ा है। दिखाते हैं गुलर का पेड़, आइए देखिए ये है, ये गुलर का पेड़ है, इसके फल को ही बाबा जी खाते थे जिन्होंने यहाँ सिद्धि प्राप्त करी थी। गाइज मंदिर के परिसर में जब हम घूमे तो पीछे की तरफ एक कुंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं बाबा जी ने हमें बताया कि ये पहले ये कुआं था और यहाँ पे पानी नीचे से निकलता था। जो यहाँ पे बाबा थे गुलर सिद्ध बाबा, उनकी सिद्धियों के फलस्वरूप उन्हें ये यहाँ पे पानी मिला था ना पंडित जी। हाँ, उसके पश्चात उन्हें पानी मिला था और उसके बाद ऐसी कुछ छुआछूत की कुछ ऐसी परेशानियाँ हुई तो जिसके कारण यहाँ से पानी विलुप्त हो गया और यहाँ से नीचे लगभग 1 किलोमीटर नीचे किसी शुद्ध जगह पर पानी वहाँ पे प्रकट हो गया है। और इत्तफाक ऐसा है, नाम भी सिद्ध पानी रख दिया। हाँ, उस पानी का नाम भी सिद्ध पानी है। और इत्तफाक ऐसा देखिए दोस्तों कि जो गुलर के पेड़ इस मंदिर के चारों तरफ हुआ करते थे वो गुलर के पेड़ भी अब सीधे वहीं पैदा हो गए हैं। तो गाइज मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और भोले बाबा आप सबकी और हमारी मनोकामना पूरी करें। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को भर भर के प्यार दीजिए, भर भर के लाइक्स दीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।